अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज एक नई स्किन केयर रूटीन और स्किन केयर वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त हैंड एंड फुट की ब्राइटनिंग मसाज सम कह लें या स्क्रब क्लिंजर, ये सब मिक्स है, ये बनाना सिखाऊँगी मैं आपको और आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है जी। आज जो मैं आपको ये मसाज बनाना सिखा रही हूँ, इससे जो हमारे हैंड हैं आप देख सकते हैं जो कलर है ये बहुत डल है, ये हमारे जो जॉइंट्स हैं ये हर चीज़ जो है वो ब्राइट कर देगा। बहुत अच्छा क्लिंजर है, बहुत अच्छा ये टोनर भी है, क्लिंजर टोनर बहुत अच्छा, ये स्क्रब भी है। इसके लिए हमें चाहिए तीन चीज़ों की ज़रूरत। सबसे पहले आपने एक लेमन लेना है, उसको दरमियान में से काट लेना है, जो इसके बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। ये मेरे पास है कॉफ़ी 3-in-1 वाली, आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जार वाली भी कॉफ़ी ले सकते हैं। और मेरे पास है चीनी, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो आपने लेमन लेना है, अपने हैंड को पहले अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। सबसे पहले आपने अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है, लेमन जो हमने एक काटा था कॉफ़ी में, उसको कॉफ़ी लगा लेनी लेमन के ऊपर और हमने इसका मसाज करना है। लेमन को साथ में स्क्वीज़ भी करते रहना है आपने और इसका कंटिन्यूसली 5 मिनट तक इसका मसाज करना है आपने। घर के इंग्रेडिएंट से ही आपको एक बहुत अच्छा स्किन ब्राइट हैंड एंड फिट ब्राइट वाला जो मसाज है, क्लिंजर कह लें स्क्रब कह लें, यह आपको हासिल होगा। घर के इंग्रेडिएंट, हर घर में लेमन भी होता है, कॉफ़ी भी होती है, आपने कॉफ़ी लगाते जाना है और बहुत अच्छे से इसकी मसाज करनी है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है और आपने जॉइंट्स पर ज़्यादा मसाज करनी है। लेमन को भी साथ में आपने स्क्वीज़ करते रहना है। ये देखिए जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, इन पर आपने अच्छे तरीके से मसाज करनी है। आपने इसको हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं, हल्के हाथों से बस आपने इसका मसाज करते जाना है 5 मिनट तक। फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि 5 मिनट मसाज किया हमने इसको। मसाज करने के बाद अब हमने इसी के ऊपर हैंड अपने धोना नहीं है, गलती से मैंने कह दिया था कि हमने हैंड वॉश कर लेना है, हैंड वॉश नहीं करना। लेमन के ऊपर हमने चीनी लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अब लेमन पे चीनी लगा ली है। चीनी को हमने जो है थोड़ा सा पीस लेना है ताकि ये स्क्रब बन जाए अच्छा सा। और हमने इसको लेमन को स्क्वीज़ करना है और इसको अच्छे से हमने इसकी मसाज करनी है। इसकी भी हमने 5 से 10 मिनट तक इसकी भी मसाज करनी है। जॉइंट्स पे हमने ज़्यादा मसाज करनी है। ये देख लीजिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे मसाज करते हुए। और ये देखें, जॉइंट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आपकी एल्बो जो हैं वो ब्लैक हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं, अपनी गर्दन पे कर सकते हैं, अपने हैंड पे, फुट पे, क्योंकि हम कहीं सफ़र में जाते हैं बाइक वगैरह पे तो अक्सर हमारे जो चल जाओ। ये देखें जी, 5 मिनट तक तकरीबन हमने इसका मसाज कर लिया है और अब हम इसको वॉश करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त का रिज़ल्ट है। आपने इसको अपनी नी पे करना है, अपने एल्बो पे करना है, अपने नेक पे करना है, आपने इसको अपनी हैंड पे और फुट पे, क्योंकि अक्सर हमारे सफ़र करने से या वैसे भी ये जो हम ज़्यादा फेस पे फोकस करते हैं कि हमारे जो फेस की स्किन है वो हमारी वाइट हो, ग्लोइंग हो और डलनेस ना हो, लेकिन हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। चलें जब मैं आपको वॉश करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि इस हैंड की जो स्किन है वो डल है और आप ये भी स्किन देख सकते हैं कितनी ब्राइट हो गई है। जो डल स्किन थी वो बिल्कुल उतर चुकी है, जो जॉइंट थे वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। आपने इसको रोज़ ट्राई करना है, 2 दिन बाद ट्राई करना है। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी ट्राई कर सकते हैं, 3 दफ़ा भी, लेकिन आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। घर के इंग्रेडिएंट से ही आपको एक बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी जो है वो मास्क कह लें, स्क्रबर कह लें, बनाना मैंने आपको सिखाया है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।